हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज हम लोग बात करेंगे सलून रेटिंग कोर्स के बारे में। तो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि और इसका कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो इसका कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने का होता है और एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो 10th पास है वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो 12th पास है वो किसी भी स्ट्रीम में कम से कम मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए और इंग्लिश में 40% मार्क्स होनी चाहिए इंग्लिश में जी। और एज लिमिट की बात करें तो 17.5 साल से 25 साल तक की एज लिमिट होती है और फिज़िकली फिट होना चाहिए और आई साइट 6x6 या 6x9 भी होगा फिर भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी और मैं आपको अभी बताऊंगी इसका काम क्या रहता है, सलून रेटिंग वालों का काम क्या रहता है। तो इनका काम यही रहता है कि पूरे क्रू के लिए इनको कुक करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ। अगर आपको कुक करने का शौक़ है, साथ साथ घूमने का शौक़ है तो सलून रेटिंग कोर्स सबसे बेस्ट है। सबसे ज़्यादा क्रूज शिप पे इसका डिमांड है क्योंकि देश विदेश के लोग वहाँ मिलेंगे आपको। क्रूज शिप पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप अच्छा खाना पकाते हैं तो जो भी लोग जिन्हें खाना बेहद पसंद आता है वो आपको 100-200 डॉलर आपको टिप भी दे देते हैं। तो इसलिए क्रूज शिप सलून रेटिंग वालों के लिए बेस्ट है। अगर सैलरी की बात करें तो शुरू में एज ए मेस बॉय आप लोग ज्वाइन करेंगे और जनरली सलून रेटिंग वालों को 200-300 डॉलर तक मिल जाती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रैंक भी बढ़ेगी और इसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और सलून रेटिंग की जो सबसे जो सीनियर रैंक होती है वो चीफ कुक की होती है जो कि 2000 से 3000 डॉलर तक होती है। तो यही छोटी सी डिटेल्स थी जो मुझे बतानी थी सलून रेटिंग कोर्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे मैं ऐसे ही मर्चेंट नेवी के रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपका नोटिफिकेशन बेल है उसको आप ऑन कर लीजिए क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा वो आपको सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।